हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब इंडियन फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही हेल्दी वेट लॉस रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ब्रोकली सैलेड। क्योंकि 100 ग्राम्स ब्रोकली में कम से कम 34 to 35 कैलोरी होता है। ये फुल ऑफ फाइबर्स होता है, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड बहुत हाई लेवल पे होता है, जिससे ये ब्लड हमारी बॉडी में ब्लड बनने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसमें फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। इस सैलेड को आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी आप बना के अपनी डाइट प्लान में आप इंक्लूड कर सकते हैं, और बिना वीकनेस और बिना किसी प्रॉब्लम्स के आप जो है इस सैलेड के साथ अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स जो है ब्रोकली लिया है, और 200 ग्राम्स के करीब मैंने मशरूम लिया है। तो मैं ब्रोकली और जितना ब्रोकली जो है हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हैं इसमें और वेट लॉस में हेल्प करता है, उतना ही मशरूम भी वेट लॉस और में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो इसी के साथ मैंने रेड, येलो और ग्रीन वेलपेपर इसमें ऐड करूँगी, और थोड़ा सा कॉर्न और गाजर। तो इन सब चीज़ों को बनाने से पहले हम जो है मशरूम और ब्रोकली को एक पैन में बॉईल कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी इसके हार्मफुल इसमें कुछ जो भी चीज़ें हों, ये आप वेजिटेबल आप लेते हैं, क्लीन करते हैं, तो वे वॉश करने से क्लीन नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए मशरूम और ब्रोकली को बॉईल करने के बाद ही आप यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसी में मैंने 2 स्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है, और बहुत कम लिया है 2 स्पून ऑयल, और आप भी कम ही लें क्योंकि ये वेट लॉस रेसिपी है। और उसी में मैंने ऐड कर लिया है गाजर। सबसे पहले कम से कम 1 मिनट के लिए हम गाजर को सॉटे कर लेंगे, और उसके बाद इसमें जो है स्वीट कॉर्न ऐड कर लेंगे। आप चाहें इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। कॉर्न में भी हाई प्रोटीन होता है, गाजर में विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जितनी चीज़ों से मिलके ये सैलेड बन रहा है, तो ये सारे जो है मिनरल्स हमारी बॉडी को देगा। हाई प्रोटीन लेवल है इन सब चीज़ों में, जिससे हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और हम जो है डाइट प्लान अपना कर सकते हैं फॉलो, और हमें वीकनेस भी फील नहीं होगी, और इजीली हमारा वेट ये लॉस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये सैलेड। तो उसी में मैंने ऐड कर लिया है ग्रीन, येलो और रेड वेल पेपर। तो इसे भी कम से कम 1 मिनट के लिए हम सॉटे कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हमने कम से कम लो फ्लेम पे ही हमें कुक करना है, क्योंकि इनको हमको बिल्कुल जलाना नहीं है। इनकी क्रंचीनेस हमको ऐसी ही रखनी है, जो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद हमने जो मशरूम और ब्रोकली हमने बॉईल करके रखी थी, उसका पानी जो मतलब ड्रेन करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। और मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया है। सॉल्ट आप इसमें बहुत हल्का रखें, क्योंकि सैलेड है, बहुत तेज़ नमक इसमें जो है खाने में थोड़ा सा अपना अच्छा नहीं लगता है, हल्का सा ही नमक आप रखें। तो ये अपने ही मॉइस्चर में ये सैलेड बनके रेडी हो जाता है, इसको जो है आपको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी में मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर लिए हैं, और चिली फ्लेक्स के ऊपर ही मैंने इटालियन सीजनिंग ऐड कर ली है, थोड़ा फ्लेवर इसका अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास है तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ सॉल्ट के साथ भी ये सैलेड बहुत टेस्टी लगता है। अब इन सब को कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए कवर करके हम लो फ्लेम पे इसको जो है कुक कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो रखना है, हमको उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो ये देखिए बनके रेडी है ब्रोकली सैलेड। तो मैं इसे अब प्लेट कर लेती हूँ, और इसी में हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सैलेड को निकाल लिया है एक प्लेट में, और इसमें 1 स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करके उसमें जो है पनीर के क्यूब्स जो है हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमें ये सैलेड और हेल्दी बनाना है। तो इसे अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसको सैलेड में मिक्स कर लेंगे। तो पनीर भी अब फ्राई हो चुका है, तो पनीर को हम जो है सैलेड में मिक्स कर लेंगे। तो कितना हेल्दी और कलरफुल, हाई प्रोटीन लेवल है इसमें, कैलोरीज हैं और पोटेशियम, आयरन,
मैग्नीशियम, बहुत मिनरल्स इसमें हैं और वेट लॉस में ये काफ़ी हेल्प करता है और वीकनेस भी फील नहीं होती है। वो भी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इस रेसिपी की हेल्प से आप अपने वेट लॉस में काफ़ी आप इफ़ेक्ट देखेंगे। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये रेसिपी आपको जो है वेट लॉस में हेल्पफुल हो। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।